वेट लॉस तो हम सभी करना चाहते हैं, और वेट लॉस के लिए हम नियमित रूप से व्यायाम भी करते हैं, रोज़ भागते दौड़ते हैं, अनेक प्रकार की हम चीज़ें खाते हैं, परंतु हमारा जो वेट है वो कम नहीं होता और एज इट इज ही रहता है। ये अक्सर सभी की प्रॉब्लम्स होती है। मार्केट में जो भी वेट लॉस के लिए सामग्री उपलब्ध होती है, आप उन्हें घर पे ला कर के इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी आपका वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता है। आज हम आपको एक मैजिक जूस के बारे में बता रहे हैं, जिसको आप पियेंगे तो आप इस जूस को पीने के बाद में आपका वेट बहुत तेज़ गति से कम होगा। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जूस है। आप इस वेट को कम कर सकते हैं इसको पी करके। आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट होगा वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा आपकी एनर्जी में, और आप स्लिम ट्रिम हो सकते हैं इस जूस को पीने के बाद में। मैं आपको दिखाऊंगा इस जूस के बेनिफिट क्या क्या है, आपसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा। इस तरीके से जब आप अपना वेट लॉस करेंगे तो आपको बेहद अच्छा लगेगा। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जूस है जिसको आज हम बता रहे हैं। आप जब अपने आप को देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि 7 दिन में इतना कम वेट आपका हो सकता है। आपकी पहले जैसी बॉडी आपकी शेप में आ सकती है और आप एक शानदार वेट लॉस करके अपनी बॉडी को शेप में दे सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक मैजिक जूस। आज रेसिपीज में आपका स्वागत है। वेट लॉस तो हर आदमी करना चाहता है, परंतु वेट लॉस होता नहीं है। हम कोरोना काल में इतना रेस्ट कर लिया है कि सभी को वेट गेन की प्रॉब्लम है, लेकिन वेट लॉस करना हर कोई चाहता है, परंतु ये आसानी से नहीं होता। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ आप एक्सरसाइज करें, बिना कुछ कोई भी एनी अदर डाइट में आपके कंट्रोल किए हुए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेठी का जूस, सफ़ेद पेठी का जूस हम आपको बताएंगे। सफ़ेद पेठे को एशगार्ड बोला जाता है अंग्रेजी में, उत्तर प्रदेश में इसे कुमड़ा बोला जाता है, और संस्कृत में यदि हम इसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो एग ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ये अलग अलग नामों से मिलता है सब जगह पे, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी जगह आप कोला ना उठा लें, वो पीले रंग का जो कोला आता है वो, और ये दोनों लगते सेम है लेकिन दोनों का टेस्ट बेहद अलग होता है। सफ़ेद पेठा आपको किसी भी वेजिटेबल की सब्जी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। एशगार्ड जब आप ले रहे हो तो आप साइज में बड़े साइज का एशगार्ड लें। इस तरीके से ये एशगार्ड आपको मिल जाएगा, सफ़ेद कोला भी हम इसे बोलते हैं। इसका एशगार्ड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी ऐश होती है, थोड़ी सी इस तरह से इसके ऊपर ऐश की वजह से ये एशगार्ड पड़ता है। आप इसे जब भी काम में लें तो ढंग से धो करके काम में ले लें। आप इसको सेंटर से काट सकते हैं इस तरीके से। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, फाइबर होता है, जिंक होता है। ये आपकी बॉडी के लिए और आपके वेट लॉस में बेहद अच्छा काम करेगा। इस तरीके से एशगार्ड होता है, ये देखिए इस तरीके का एशगार्ड होता है। इसमें बीज होते हैं, बीजों को आपको हटा देना है जब आप लेंगे तो। एक ग्लास यदि आप पानी का निकालते हैं, जूस निकालते हैं इसका, तो 250 ग्राम एशगार्ड आपके लिए सफिशिएंट होगा एक ग्लास जूस के लिए। मैंने यहाँ पे आधा एशगार्ड लिया है, उसका भी मैं चौथाया कर दूंगा क्योंकि मुझे केवल मात्र 250 ग्राम ही लेना है। इस तरीके से हम इसको लेंगे तो ये लगभग आपका 250 ग्राम के आसपास हो जाएगा, और इसको इससे हम जूस बना लेंगे। कड़वे होते हैं, जब आप जूस बनाएं तो बीज को आप बिल्कुल निकाल दें। इस तरीके से आप अलग कर देंगे तो ये बीज जो होंगे वो पीसेंगे नहीं और ये कड़वेपन नहीं लेगा। यदि आप बीज को पीसेंगे तो ये कड़वापन ले लेगा। इस तरीके से आप एक ये जूस के लिए अलग अलग कर लें, और इसका जो छिलका होता है उसको भी आपको निकालना है। आप एक बार इसको इस तरीके से अलग कर लें। ये मैंने यहाँ पे इसको 3 भागों में पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से आप इस तरीके से थोड़े थोड़े करके छिलके अलग कर सकते हैं, और इसके सारे छिलके आप निकाल लें। चाहे तो आप किसी चक्कू की सहायता से, जिससे आप आलू वगैरह छीलते हैं, उससे भी इस तरीके से आप इसके छिलके अलग कर लें। ये छिलके कड़वे होते हैं इसलिए आपको छिलके निकालने हैं। यदि आप छिलको सही जूस बनाएंगे तो जूस कड़वा बनेगा, इसलिए आपको इस तरीके से छिलके हटा करके, और फिर आप इसका छोटे छोटे भागों में काट लें। इसको इस तरीके से आप थोड़े थोड़े छोटे भागों में, टुकड़ों में कर लें और इसको काट लें।
इस तरीके से आप इसके सारे छिलके अलग कर लेंगे और सभी को आप टुकड़े कर लेंगे, इन्हों को छोटे छोटे भागों में काट लेंगे। इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, 96% तक पानी है। इस तरीके से हमने बड़े बड़े छिलके ये पीस काट लिए हैं। इन पीसेस को आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीसना है। ये छिलके हमने उतार लिए, छिलके बड़े काम के हैं, आप इसे भगाए नहीं, आप इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। यदि किसी के पिंपल्स हो, झाइया हो, किसी तरह की कोई एक्ने की प्रॉब्लम हो तो उसमें ये काम में आते हैं। आप इसका पेस्ट बना के फेस पाउडर के रूप में, एक पैक के रूप में काम में ले सकते हैं, चेहरे पर लगा सकते हैं इसके। अब आप एक मिक्सर का जार ले लें, यदि आपके पास में जूसर है तो उसमें आप डाल दें, या मिक्सर के जार में डाल करके आप इसको सारे को फेंट लें। इसमें आपको पानी वगैरह मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी होते हैं जो जिसका भी मैं आंसर आपको देना चाहूँगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि क्या आप इसे 12 महीने ले सकते हैं। बिल्कुल आप इसे 12 महीने ले सकते हैं, सर्दी गर्मी बरसात कोई सा भी मौसम हो उसमें आप इसको ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। एक ये होता है प्रश्न आपका कि ये अस्थमा या साइनस में भी ले सकते हैं। ये आपकी गंदगी को निकालता है, बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है उसको निकालता है। साइनस अस्थमा में बेहद मददगार है, आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एक प्रश्न ये भी होता है कि ये सर्दी के मौसम में भी लिया जा सकता है या ठंडे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ठंडे प्रदेशों में भी ले सकते हैं। आप बिल्कुल इसे ठंडे प्रदेशों में ले सकते हैं और इसे आसानी से ले सकते हैं, लेकिन आप जब भी फ्रिज में से निकालें तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर के बाद में लेवें। एकदम गाढ़ा जूस बनकर के तैयार हो गया। आप यदि इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो ये पानी की क्वांटिटी बढ़ा करके आप ज्यादा जूस भी बना सकते हैं, लेकिन शुद्ध प्योर जूस बनाने के लिए मैंने इसमें पानी की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप थोड़ा सा पानी डाल करके भी बना सकते हैं। आप एक कॉटन का कपड़ा ले लें, इस तरीके से मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, नीचे कोई बर्तन रख लें और उसमें ये सारा जूस डाल लें इस तरीके से, ताकि ये जूस आप इसको इस तरीके से डाल करके उसके बाद में कॉटन के कपड़े को आप इस तरीके से करेंगे तो ये देखिए सारा जूस बन करके तैयार हो जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। ये बिल्कुल पानी की तरह होता है, इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। आप इस कपड़े को इस तरीके से हाथ से प्रेस करेंगे तो ये सारा का सारा जूस आपका निकल करके तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बिल्कुल पानी के जैसा ये जूस होता है, इसमें टेस्ट भी बिल्कुल पानी के जैसा आता है। ये आपका जूस बन करके तैयार हो गया। अब आप किसी ग्लास में इसको डाल लें। ये एक हेल्थी शानदार और वेट लॉस वाला जूस है जो बनकर के तैयार हो गया। 250 ग्राम में मेरे ये 3 ग्लास बनकर के तैयार हो गए। इस तरीके से हमने बिना पानी मिलाए इस जूस को बना लिया है। एक हेल्थी टेस्टी और शानदार मजेदार वेट लॉस जूस आपका बनकर के तैयार हो गया, जिसको हमने सफेद पेटी की सहायता से बनाया है, एश गार्ड भी जिसे हम बोलते हैं। ये वेट लॉस के साथ साथ आपकी दिमाग को शांत रखता है। आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है जो हम खाने के साथ साथ में हमारे बनती है बॉडी में, उन सबको निकालने का काम करता है। आपका माइंड शांत रखता है, आपकी एनर्जी को काम करता है। सबसे जरूरी बात, इसको डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं, जिनों के हार्ट प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, अस्थमा वाले भी ले सकते हैं और आपका तेजी से वेट लॉस करेगा। 1 सप्ताह तक यदि आप इस जूस को पीते हैं तो आपका बहुत तेज गति से वेट लॉस करेगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, यदि आपके कोई सुझाव हो तो दें। थैंक्स। इसका जो बचा हुआ लुगदी है, मसाला है, इसको आप किसी सब्जी की रेसिपी में काम में ले सकते हैं। ये भी बहुत ही हेल्थी होती है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, ये बेहद लाभदायक है। आप इस मिक्सचर को किसी सब्जी की जब ग्रेवी बनाए तो उसमें काम में ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको भी काम में ले सकते हैं। एशगार्ड सबसे बेहतरीन एकेलाइन वेजिटेरियन है, ये सब्जी की श्रेणी में आती है। यदि आप को एशगार्ड ना मिले, सफेद पेठा ना मिले, तो आप लौकी का जूस इसकी जगह ले सकते हैं। इसका स्वाद भी बेहद अच्छा होता है और जब एशगार्ड का जूस की आप टेस्ट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल पानी के जैसा होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, नहीं कड़वा होता है। जैसे आप पानी पीते हैं उसी तरीके से इसका टेस्ट होता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें एक बार।